जय येसु। दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। येसु का अनुसरण करने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं का पालन करना और उनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना, जो उनके विरोधी लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु के प्रति जो नफरत है, वही नफरत उनके शिष्यों के साथ भी है, क्योंकि उनके बीच गुरु शिष्य का संबंध है। प्रिय भाई और बहनों, दुनिया नहीं चाहती है कि हम दूसरों से अलग हो, हमारे सोच विचार भिन्न हो। जो लोग अपने विचारों और मूल्यों में भिन्न होने का साहस करते हैं, उन्हें उत्पीड़न सहना पड़ता है, उन्हें सताया जाता है। जिन चीजों को हम पर जबरदस्ती थोपा गया है, चाहे वह परंपरा हो या कोई नियम, वह हमें नैतिक मूल्यों का पालन करने से रोकता है और हमें दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। यह दुनिया की मांग है और दुनिया यही चाहती है। जो लोग न्याय के लिए खड़े होते हैं, वे हमेशा किसी न किसी तरह से उत्पीड़न सहते हैं, और यीशु के साथ भी यही हुआ। उनका मिशन न्याय, दया और प्रेम पर आधारित था, जो दुनिया की सोच के अनुरूप नहीं था। उनका न्याय न केवल समानता पर आधारित था, बल्कि ईश्वर की संतान के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता को पहचानने और स्वीकार करने पर भी आधारित था। आज के सुसमाचार में यीशु यह भी कहते हैं, तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। इस संसार के नहीं होने या दुनिया से बाहर के होने का क्या मतलब है? हम इसी दुनिया में जीते और मरते हैं, जिसका मतलब है कि हम दुनिया से बच नहीं सकते। क्या यीशु किसी दूसरी दुनिया की बात कह रहे हैं? नहीं, हम इसी दुनिया में एक दूसरे पहचान के साथ जी सकते हैं। अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर हम एक नए प्राणी बनकर जी सकते हैं। यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें आत्म त्याग करने की आवश्यकता होती है, खुद को खाली करना पड़ता है। हम संसार में रहकर यीशु की शिक्षा का पालन कैसे कर सकते हैं? प्यार जोड़ता है, लेकिन नफरत हमें अलग करती है। हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे शब्द और कार्य लोगों को हमारे जीवन से या हमें दूसरों या ईश्वर से जोड़ते हैं या अलग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हम विभाजन का कारण बनते हैं? आइए हम यीशु की शिक्षाओं से सीखें, जो सभी को एकजुट करती है, और प्रेम, क्षमा और न्याय के उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। आमीन।